Assalamu alaikum dear students, how are you all? I hope you all are fine and enjoying these lessons. I also pray for your good health. I am your teacher Sadia and I am a preschool teacher. Dear students, आज मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन सबसे पहले मुझे आपसे जरूरी बात करनी है जो हमारी हेल्थ सेफ्टी के बारे में है। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि आजकल एक बहुत ही डेंजरस वायरस कोरोना वायरस आया हुआ है। ये वायरस हमारे लंग्स में जाकर हमें बीमार कर देता है। क्या आप जानते हैं कि इससे कैसे बचना चाहिए? जी हाँ, मैं जानती हूँ आप में से बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि इस वायरस से बचने के लिए हमें घर पर रहना चाहिए और घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। और अगर किसी बहुत जरूरी काम की वजह से घर से बाहर जाना भी पड़े तो क्या करना चाहिए? जी हाँ, फेस मास्क यूज करना चाहिए और बाहर जाकर किसी से भी शेक हैंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जर्म्स ट्रांसफर होते हैं। क्या और भी कुछ जरूरी है? जैसे ही घर वापस आए, जल्दी से शावर लेकर अपना ड्रेस चेंज करना चाहिए और दिन में कई बार हैंड सैनिटाइजर या सोप से अपने हैंड वॉश करने चाहिए। बच्चों, मेक श्योर कि आप ये सब काम करते हैं और अपने मामा बाबा को भी बताएं कि इस वायरस से बचने के लिए हमें ये सब करना चाहिए। और इसके अलावा आपने अल्लाह ताला से बहुत सारी दुआ भी करनी है कि अल्लाह हमें इस वायरस से जल्द निजात दे और हम दोबारा से स्कूल जाएं। अच्छा, तो बच्चों अब हम आते हैं अपने आज के लेसन की तरफ। आपको पता है आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? जरा सोचिए। अरे ये क्या है? दुनिया। अच्छा तो बच्चों, ये दुनिया किसने बनाई है ये आप जानते हैं? जी हाँ, अल्लाह ताला ने। ये दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई है। अल्लाह ताला ने ये दुनिया और इसमें रहने वाली तमाम मखलूकात को बनाया है। जैसे कि हम इंसान, हम इंसान अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक है। क्या कोई और भी मखलूक है जिसको आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एनिमल्स के बारे में। एनिमल्स और इंसान दोनों ही अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक हैं, जिन्हें हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं। क्या कोई ऐसी मखलूक भी है जिसको हम देख नहीं सकते? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एंजल्स यानी फरिश्तों के बारे में। फरिश्ते अल्लाह ताला की नूरी मखलूक हैं, जिन्हें अल्लाह ताला ने नूर से पैदा किया है। उनका काम होता है हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत करना और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजना। लेकिन कुछ ऐसे एंजल्स हैं जिनको अल्लाह ताला ने कुछ स्पेशल ड्यूटीज दे रखी हैं। आज हम उनके बारे में जानेंगे। उनमें से सबसे पहला नाम आता है हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से अल्लाह ताला के तमाम मैसेजेस और कमांड्स लेकर नबियों तक आते थे और फिर वो बातें हम इंसानों तक पहुंचती थी। तमाम आसमानी किताबें जिनमें कुरान पाक भी शामिल है, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ही अल्लाह ताला के पास से नबियों तक लेकर आए और फिर वहां से ये मैसेजेस हम इंसानों तक पहुंचे। तो बच्चों, आपको पता चला कि कुरान पाक में लिखी गई बातें हमारे नबी के पास कौन से एंजल लेकर आए थे?
हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। बच्चों आजकल कितनी गर्मी हो गई है ना, बहुत ज्यादा गर्मी है, इसलिए आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। मुझे तो सर्दी का मौसम अच्छा लगता है, कितना मजा आता है, और बारिश भी बहुत पसंद है। प्यारे बच्चों, क्या कभी आपने सोचा है कि ये वेदर चेंज करने की ड्यूटी अल्लाह ताला ने किस एंजल को दी है? चले मैं बताती हूँ आपको। हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम कंट्रोल्स द वेदर, वेदर को कंट्रोल करने की ड्यूटी हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम की है। वो अल्लाह ताला के हुक्म से वेदर को कंट्रोल करते हैं। बच्चों, जिस तरह से हम इस दुनिया में आए, एक ना एक दिन उसी तरह हमें अल्लाह ताला के पास वापस लौट जाना है। तो वो एंजल जो हमारी रूह को कब्ज करके अल्लाह ताला के पास ले जाते हैं, उनका नाम है हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम इज द एंजल ऑफ डेथ। बच्चों, जिस तरह से हम सब एक दिन अल्लाह ताला के पास लौट जाएंगे और ये सारी दुनिया तबाह हो जाएगी और क़यामत आ जाएगी, उस दिन हजरत इस्राफील अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से सूर फूंकेंगे और एक जोरदार आवाज आएगी और उसके बाद ये दुनिया तबाह हो जाएगी और क़यामत आ जाएगी। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा About four major angels and their duties. चलिए अब एक दफा अपने लेसन को रिवाइज कर लेते हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम revealed the commands of Allah to the prophets. हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम controls the weather. हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम is the angel of death. हजरत इस्राफील अलैहिस्सलाम will blow the trumpet on the day of judgment. बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आई होगी और आपने इसको पसंद किया होगा। Here is your home assignment. Learn the answer of question number 2, Islamiyat. इसके अलावा बच्चों, आपने आंसर को रिपीट करते हुए अपनी ऑडियो और वीडियो क्लिप्स बनाकर टीचर को सेंड करनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। See you next week. Stay home, stay safe. Thank you. Allah Hafiz.